अस्सलाम वालेकुम जूनियर टू, हाउ आर यू ऑल? बेटा प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक, लेसन नंबर 15, एनिमल्स अराउंड अस, पेज नंबर 82-83. आई होप यू हैव रिवाइज्ड, आई होप यू हैव रिवाइज्ड योर प्रीवियस रीडिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रीडिंग, फूड फॉर एनिमल्स. बेटा अब जानवरों के लिए जो है वो खाना अब हम पढ़ेंगे. एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. एनिमल्स जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. दे गेट दियर फूड फ्राम दियर सराउंडिंग्स. बेटा वो अपना खाना सराउंडिंग्स अपने इर्द गिर्द से हासिल करते हैं. वी मस्ट गिव डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स गुड फूड एंड फ्रेश वाटर. बेटा जो घरों में जानवर पाले जाते हैं, पालतू जानवर हैं, हमें उनको अच्छा खाना और पानी देना चाहिए. सम एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ्स एंड एलिफेंट्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड हर्बीवोर्स. बेटा कुछ जानवर जैसे कि डियर, हिरन, जिराफ और जराफा और हाथी जो हैं वो प्लांट ईटिंग पौधे खाने वाले जानवर हैं जिनको हर्बीवोर्स खा जाता है. दे ईट ग्रास और अदर प्लांट्स. बेटा वो घास खाते हैं या दूसरे पौधे खाते हैं. सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लाइंस एंड वुल्फ्स किल अदर एनिमल्स एंड ईट इट्स फ्लैश. बेटा कुछ जानवर जो हैं जैसे टाइगर, लाइंस एंड वुल्फ जो हैं वो दूसरे जानवरों को मारते हैं और उनकी फ्लैश यानी उनका गोश्त खाते हैं. दे आर कॉल्ड कॉर्निवर्स, वो कॉर्निवर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है होम्स फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए घर. वी मस्ट गिव पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स अ क्लीन एंड सेफ प्लेस टू लिव. बेटा हमें पेट्स को यानी जो पालतू जानवर हैं, घरों में रखने वाले जानवर हैं, उनको साफ़ और महफूज जगह रहने के लिए देनी चाहिए. अ डॉग इज़ केप्ट इन अ कैनल. डॉग जो है वो बेटा वो कैनल में रहता है. अ कैट स्लीप्स इन अ बास्केट. बिल्ली जो है वो बास्केट में सोती है और एनी वेयर और कहीं भी जो है वो सो जाती है. जैसे अब ये देखें, लुक एट दीज पिक्चर्स. डॉग लिव इन कैनल, फिश लिव्स इन टैंक्स एंड कैट्स लिव्स एंड कैट लिव्स इन बास्केट. सम फिशेज आर केप्ट इन अ बाउल और एन एक्वेरियम. बेटा कुछ मछलियाँ जो हैं वो बाउल, छोटे बाउल या एक्वेरियम में रहती हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन अ शेड और अ बर्न. बेटा जो डोमेस्टिक एनिमल घरों में रखने वाले जो जानवर होते हैं वो शेड, साए में उनको रखा जाता है. काउज, बुल्स एंड बफेलोज आर केप्ट इन अ शेड. अब गाय, भैंसे जो हैं इनको शेड में यानी इनको साए में रखा जाता है. छोटे छोटे इनके लिए शेड घर टाइप जैसे बना दिए जाते हैं, ऊपर छत डाल दी जाती है, शेड उसको बोलते हैं. केक महफूज जगह पे उनको रखा जाता है. हॉर्सेज आर केप्ट इन अ स्टेबल. बेटा हॉर्स जो है वो स्टेबल में रहता है. शीप एंड गोट्स आर केप्ट इन अ पेन. और शीप्स और जो बकरियाँ हैं उनके जो रहने की जगह है उसको बेटा पेन बोलते हैं. That's all for today. Do this reading again and again. Take good care of yourself. Allah Hafiz.